तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और टेप्योन उस बीस्ट के साथ टेप्योन की जगह पे जाने लगते हैं। वो बीस्ट अपनी पावर की मदद से एक पोर्टल बनाता है जिससे वो सभी टेप्योन के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, और वहां पर आते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मच चुकी होती है। जो देखने के बाद गोकू कहता है, हे टेप्योन, क्या ये सच में उस ड्रैगन का ही काम है? मुझे नहीं लगता कि वो पहले से इतने ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जिस पे टेप्योन कहता है, गोकू, उसके पास इस बार कुछ नया है, जो तुम खुद देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बनता जा रहा है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ के उस ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं, और तभी उन सभी को वो ड्रैगन दिखाई देता है जिससे गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। और वेजिटा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या वो ड्रैगन बॉल्स है? जिसके ऊपर टेप्योन कहता है, हाँ वेजिटा, वो सारे के सारे ड्रैगन बॉल है जिस वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो हमें इसे खत्म करके इस वर्ल्ड को बचाना पड़ेगा, और जैसा कि बीस्ट ने कहा था, अगर तुम इसको हरा पाओगे तभी तुम ज़ेनोसामस तक पहुंच पाओगे। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू कुछ कदम आगे आके कहता है, तो ठीक है, इस काम को सबसे पहले मैं खत्म करता हूँ, मैं इसको अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते उस बीस्ट को जो कि कहता है, गोकू मेरी बात को याद रखना, तुम इससे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास ड्रैगन बॉल है, और किंग ऑफ एवरीथिंग ड्रैगन बॉल के खिलाफ नहीं जा सकता, तो तुम इससे फाइट नहीं करोगे, और अगर तुमने इसके साथ फाइट की तो कुछ और भी परिणाम निकल कर आ सकते हैं जिस वजह से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम सभी देखते वेजिटा को जो कि आगे आके कहता है, ठीक है, तो मुझे लगा ही था कि अब मुझे फाइट में उतरना ही पड़ेगा, तो मैं इस ड्रैगन जैसे दिखने वाले को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और उसके बाद हम देखते कि वेजिटा आगे जाके कहता है, हे तुम इधर देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। उसके बाद तभी हम सभी देखते उस शख्स को जो कि आगे आके कहता है, ओह टेप्योन, तुम पहले डर के भाग गए थे, तो अब तुम वापस आने की कैसे सोच सकते हो? मुझे लगा था कि तुम वापस कभी भी लौट के नहीं आओगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे तुम्हारा अपोनेंट इस बार मैं हूँ, सेंट प्रिंस वेजिटा, तो तुम अपना ध्यान मुझ पे रखो। उसके बाद वो ड्रैगन कहता है, मेरा नाम ओमेगा शेरोन है, तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि क्या तुम देख नहीं सकते कि मेरे पास सभी ड्रैगन बॉल की पावर है? मैं पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, और अगर तुम मुझे हराने की सोच रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा को इस बात सुन के गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, तो लगता है कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है, जो देखने के बाद टेप्योन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में वेजिटा के पास तो पहले से कई गुना ज्यादा पावर आ चुकी है? उसके बाद वेजिटा अटैक करने के लिए जाता है ओमेगा शेरोन के ऊपर, लेकिन हम सभी देखते कि ओमेगा शेरोन वेजिटा के इस अटैक से आसानी से बच जाता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था, तो ये लो देखो क्या है मेरी ताकत। उसके बाद ओमेगा शेरोन अपना एक अटैक करता है वेजिटा के ऊपर जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है, और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, याद रखो कि इसके पास काफी ज्यादा पावर है, क्योंकि एक बार ग्रैंड पेश ने मुझे बताया था कि अगर कोई ड्रैगन बॉल की पावर को सोख लेता है तो वो कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो तुम जरा संभल के रहो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना पावर अप करके अटैक कर देता है ओमेगा शेरोन के ऊपर, लेकिन ये अटैक इस बार ओमेगा शेरोन से लग जाता है और ओमेगा शेरोन कुछ दूर जाता है। उसके बाद ओमेगा शेरोन कहता है, हे, लगता है कि तुम में कुछ तो बात है, कोई भी अभी तक इतनी देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाया था। उसके बाद हम देखते कि ओमेगा शेरोन लगातार अपने काफी सारे अटैक करने लगता है वेजिटा के ऊपर, और वेजिटा भी अपने लगातार फाइट करने लगता है ओमेगा शेरोन से, जिससे वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। जो देखने के बाद वो बीस्ट कहता है, सच में मुझे लगा था कि इस ड्रैगन को कोई भी नहीं हरा पाएगा एक किंग ऑफ एवरीथिंग के अलावा, लेकिन वेजिटा तुम में कुछ तो बात है। और तभी हम देखते कि उन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट चली रही होती है, तभी ओमेगा शेरोन अचानक से रुक जाता है और कहता है, हे, क्या तुम्हें लगा था कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही ताकत होगी? क्या तुम भूल चुके हो मेरे अंदर ड्रैगन बॉल्स है, तो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी और पावर दिखाता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते कि ओमेगा शेरोन अपना पावर अप करने लगता है और एक काफी बड़ा अटैक करता है सभी के ऊपर, लेकिन अचानक से वहां पर बीच में वेजिटा आ जाता है और वेजिटा उस अटैक को तो हटा देता है, लेकिन उस अटैक की वजह से वेजिटा को भी काफी ज्यादा चोट आती है। और वेजिटा कहता है, हे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तो तुम इस वक्त सिर्फ मुझ पर ध्यान दो,
और उसके बाद वेजिटा वापस से अटैक करने के लिए जाता है ओमेगा शेरोन के ऊपर, लेकिन ओमेगा शेरोन वहीं पर खड़ा रहता है और उस वेजिटा के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, जिसके ऊपर ओमेगा शेरोन कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हो, और सिर्फ मैंने तो ये सुना था कि सीएंस लड़ने के लिए काफी ज्यादा बेताब होते हैं, लेकिन मैं देख भी सकता हूँ कि सीएंस काफी ज्यादा कमजोर भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वेजिटा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सीएंस के बारे में ऐसा बोलने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और आखिरकार मैं तुम्हारे साथ कब तक ये करता रहूंगा, तुम्हारे अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम है जो हमें सुलझानी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे आसपास की जगह काफी ज्यादा हिलने लगती है, और तभी वेजिटा आगे बढ़कर अटैक करता है ओमेगा शेरोन के ऊपर, और धीरे धीरे करके वेजिटा काफी सारे अटैक ओमेगा शेरोन के ऊपर करने लगता है, जिससे भी ओमेगा शेरोन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, और तभी हम देखते हैं कि ओमेगा शेरोन अपनी ड्रैगन बॉल की मदद से काफी बड़ा अटैक प्रिपेयर करने लगता है और वो फेंक देता है वेजिटा के ऊपर, जो देखने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अटैक आके लगता है वेजिटा के, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो देखने के बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊं, बस मुझे बताओ क्या मैं इससे फाइट कर सकता हूं, हे बीस्ट तुम कुछ बताओ क्या मैं इससे लड़ सकता हूं। जिसके ऊपर वो बीस्ट कहता है, नहीं गोकू तुम एक किंग ऑफ एवरीथिंग हो तो तुम इससे लड़ने के लिए नहीं जा सकते, तो तुम्हें यहीं पर सब कुछ देखना पड़ेगा। जिसके ऊपर टेपियन भी कहता है, वेजिटा मुझे पता है कि तुम इसे हरा सकते हो, तो खड़े हो और इससे लड़ो, क्योंकि अब वो तुम ही हो जो इसको हरा सकते हो। और जिसके ऊपर हम देखते हैं कि वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार एक प्रिंस सेन की पावर कितनी होती है, और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद हम सभी देखते अकुमो को, जो कि मरनो के सामने खड़ा होता है, और अकुमो कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ मरनो, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया और तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जिसके ऊपर मरनो कहता है, हे मैं तुम्हारी बकवास कब से ये सुनता आ रहा हूँ, तो अब तुम चुप हो जाओ, और क्या तुम लड़ना स्टार्ट भी करोगे या फिर मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूँ, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि कोई भी शख्स बाहर से आएगा और ये बोलेगा कि वो मेरे डायमेंशन को तबाह कर देगा और मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि वेजिटा वापस से खड़ा हो चुका होता है और वेजिटा अपना फुल पावर अप करने लगता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वापस से आ जाता है और कहता है, ये मेरी नई फॉर्म है जो मैंने अकुमो के साथ लड़ते हुए अचीव करी थी, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार वेजिटा की पावर कितनी है, और मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तो तैयार हो जाओ ओमेगा शेरोन, क्योंकि ये तुम्हारा अंत है। तो यार जाने से पहले आप सभी को मैं काफी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अब से मैं वीडियो के आखिर में अपने एक खास सब्सक्राइबर को शाउट आउट देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं शाउट आउट देने वाला हूं शिव साई को, जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला था। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी का नाम अपने वीडियो के लास्ट में बोलूं और आपको शाउट आउट दूं, तो यार इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही मेरे को इंस्टाग्राम पर भी आप सभी फॉलो कर लेना। अब वीडियो के आखिर में मैं कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर को शाउट आउट देने वाला हूं। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, जान से पहले चैनल को याद से सब्सक्राइब करना, एंड हाँ इंस्टाग्राम दिख ही चुका है तो वहां पर भी आप सभी मेरे को फॉलो कर सकते हो, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।